सुप्रभात। आज मैं एक कहानी सुना जा रहा हूँ। राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 25वें राजा सोलिक वसिन गंबो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था, चैन से जिंदगी चल रहा था। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत बोला था और शेरी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 बेड़े देते हुए कहा, तुम यह लेकर शहर जाओ, मगर ये वापस लाना। उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंचा, मगर इतने बोरे खरीदने के लिए उसका पास पैसा रुपए कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर उसके समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की आकर उसके सामने आ खड़ी होकर कहा, क्या बात है तेरी मम्मी दुखी है? कोई बात नहीं, मैं इसका हाल। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल को सुनाया। लड़की ने इन बेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेचकर जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बारे खरीदे। लड़की ने उसे घर वापस बेच दिया। लोनपोगार का बेटा को लगा कि उसका पिता बहुत खुश होंगे, पर उसके आपत्ति पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कमरे से उठकर बाहर गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 बेड़े देते हुए कहा, ने सोचा ऐसी रीति तो बनाना ही असंभव है, तो इसलिए उन्होंने शर्त मंजूर कर ली। दूसरे दिन लड़की ने एक 9 हाथ रस्सी ली, उसे पत्थर के सिर पर रखकर और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वैसे समय लोनपोगार के पास गया और उसे गले में पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देकर चकित रह गए। उनको पता था कि राख की रस्सी तो गले में पहनना तो दूर, उतना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी और उसकी चालाकी, लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी नहीं रह गई। बिना वक्त गवाए उन्होंने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़के के सामने रख दी। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। इस कहानी से हम सीख जाते हैं, हमें लड़की की जैसी समझदारी होनी चाहिए। अगर हम समझदारी होंगे